फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस भी निकालना है और आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आइटा। तो चलिए निकालते हैं इसका। 1 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आइटा। तो इसमें क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के। तो चलिए करते हैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई 1 + 3 आइटा। ठीक है, तो 1 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1 + 3 आइटा प्लस 2 आइटा मल्टीप्लाई किसके, 1 + 3 आइटा के डिवाइडेड बाय किसके होगा, 1 - 3 आइटा स्क्वायर। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो 1 + 3 आइटा प्लस 2 आइटा मल्टीप्लाई प्लस 6 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके होगा, 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 1 - 6 यानी कि -5 प्लस 5 आइटा डिवाइडेड बाय किसके चल रहा है, 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इसे यहाँ पर लिखते हैं हम, -4 - 5/4 प्लस के कितना दे रखा है, 5 / 5/4 आइटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, रियल पार्ट भी है इसके अंदर और इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस भी निकालना है। तो मॉडुलस के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, -5/4, और वाई की वैल्यू कितनी है, +5/4। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू किसके होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के मतलब क्या हो गया, 25 / 16 प्लस 25 / 16, तो कितना बन गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 50 / कितना, 32। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 50 / 32। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकल गया, मॉडुलस निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें क्या निकालना होगा, इसकी एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता चल गई, तो थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -5/4। ठीक है, चलिए निकालते हैं, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -5/4, और आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू +5/4। ठीक है, इसका मतलब जो इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स की वैल्यू किस में, माइनस में। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये हो गई, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये हो गई। तो इसका मतलब थीटा लाइज किस में करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, π - θ। अब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू इसमें यूज़ करेंगे। एक बार इसमें एक चीज़ चेक करते हैं, क्या हमने एक गलती कर दिया, यहाँ पर क्या था, ये 9 आइटा स्क्वायर आता। ठीक है, हमने इसे 3 ही कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर नीचे कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, रेज करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। तो ये इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, ये इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, -1/2, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +1/2। ठीक है, ये चीज़ चेंज होगी, तो यहाँ पे ये मॉडुलस भी चेंज होगा इसका। मॉडुलस इज इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है, -1/2, इट मीन्स 1/4 + 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4, इट मीन्स 1/2। ठीक है, तो 1/√2 इसकी क्या हो जाएगी, मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। अब ये किससे कंपैरिजन करेंगे हम,
माइनस के वन बाई टू, माइनस के वन बाई टू, और ये किससे होगा, प्लस के वन बाई टू से, ठीक है, यही तो आई है एक्स और वाई की वैल्यू। और ये लाइज किस में करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही करेगा। आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू निकली हमारी वन बाय रूट टू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसके, माइनस के वन बाय टू के, ठीक है। तो ये हम इससे क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस रूट टू, ये टू है और यहाँ पर भी रूट टू है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, रूट टू, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस के वन बाय रूट टू। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के वन बाय रूट टू, ठीक है, क्योंकि ये रूट टू इससे कैंसिल आउट हुआ है, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, रूट टू, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय फोर, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन बाय रूट टू, जो कि किस में लाइज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इट मीन्स इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई माइनस के थीटा, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, इसका मतलब पाई माइनस के थीटा, यानी कि पाई माइनस के पाई बाय फोर, ठीक है, यानी कि थ्री पाई बाय फोर। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री पाई बाय फोर, और मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू तो मॉडुलस की वैल्यू हो गई, और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री पाई बाय फोर, ठीक है। इसमें एक चीज़ गड़बड़ की थी, थ्री आइटा का स्क्वायर था और मैंने उसे ऐसे ही कंसिडर कर लिया था, तो ये कितना हो गया था, टेन। फिर उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई करके फॉर्म लिख दिया, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के मॉडुलस की वैल्यू आ गई, मॉडुलस की वैल्यू निकालने के बाद आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से कंपेरिजन किया, फिर थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, पाई बाय फोर, और थीटा लाइज किस में कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इट मीन्स पाई माइनस के थीटा, पाई माइनस के थीटा करेंगे तो पाई माइनस के पाई बाय फोर, इट मीन्स पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर, और थ्री पाई बाय फोर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट, और मॉडुलस कितना हो जाएगा, वन बाय रूट टू, ठीक है।